और नमाज का टाइम भी होता है, सुबह हो जाती है, उसको कर सकते हैं और वही घर नमाज पढ़ा, क्या इस शख्स की नमाज हो जाएगी? फिर जमात को हुक्म क्यों है कि जमात के साथ नमाज दो, तकबीर अल्लाह के साथ नमाज पढ़ो, मस्जिद नमाज पढ़ो, मस्जिद में जाकर जमात के साथ। तो आपने आप को चेक कर टटोल, जिस तरह को जानवर को टटोलता है और कुर्बानी के लिए जरूर लेके आएगा उसको, चेक भी करेगा, तो आपने आप को चेक कर मेरा आज यही पैगाम है आप, क्या तेरी नमाजें पूरी है, क्या तू अब वक्त का नमाजी है, क्या तू पहली सब का नमाजी है, तकबीर अल्लाह के साथ भी नमाज पढ़ता है। तो हाँ, अगर ये चीज तेरे अंदर है तो अब तक वक्त का नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की इबादत करने वाला है, पहली सब में नमाज पढ़ता है, जमात के साथ नमाज पढ़ता है और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है, जब तू कुर्बानी करेगा हाँ अल्लाह इस अमल को कबूल कर लेगा। जितना बड़ी कुर्बानी खरीद के आ जाए इलाके में, अगर इसमें नमाज जैसी बात नहीं है तो आपने खैर मना, अमल की खैर मना। فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ। आज इस आयत का मफहूम और मतलब को समझ ले। रब के कायनात में फरमाया वो पैगंबर रब के लिए नमाज पढ़े और रब के लिए कुर्बानी करे। नमाज जो है ये बदली इबादत, ये बदल से कही जाती है, जो कुर्बानी है वो माल की इबादत है, वो माल के साथ की जाती है। लेकिन कुर्बानी में और नमाज में फर्क क्या है? ये नमाज फरीजा है, इसको अदा करना। कुर्बानी तो हर बार आनी है, रोजाना दिन और रात में पांच नमाजें पढ़ना ये तो लाजिम। जरा वो सोचें जो नमाज घर में पढ़ते हैं या लेट पढ़ते हैं, वो अपनी नमाजों के खैर में करें। ऐसे अमल को अल्लाह कबूल नहीं करता, अल्लाह उस अमल को कबूल करता है जिसमें जज्बा हो, जो इस्तकामत के साथ किया जाए, जो अल्लाह के अल्लाह के लिए अमल किया जाए। बैठा रहता है, बैठा रहता है, बैठा रहता है दुकान पर, कहां आए होंगे, दुकान बंद करूंगा, नमाज पढ़ लूंगा, दो नमाजें इकट्ठी पढ़ लूंगा, जैसे इसका आमला दिन होना चाहिए, जैसे इसको विरासत में मिला हो। नहीं, ये हमारा दीन खालिस दीन है, अव्वल वक्त के जो नमाजी है वो यहाँ याद हो चुका है, जो तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ता है वो गांव याद हो चुका है, जो सुस्ती के साथ नमाज पढ़ता है बैठा रहता है उसके लिए तो हलाकत बताई गई है। फवैल लिलमुसल्ली अल्लज़ीन हुम अन सलातिहिम साहून, हलाकत है, बर्बादी है, वैल है उनके लिए जो अपनी नमाजों में सुस्ती करते हैं। चेक करें, जब हम दुकान पर बैठे होते हैं, जब नमाज का वक्त होता है, क्या हमें तरबार होता है, क्या इमाम हमारा हरकत में आता है कि नहीं? अगर नहीं आता तो फिर हम इमाम काम नहीं है, इसे कमजोर इमाम है। मोमिन आदमी जो होता है, जैसे ही नमाज का वक्त होता है, जमात का वक्त होता है, वो किसी मसूफियात को नहीं देखता, पहली फुर्सत में अल्लाह की इबादत के बाद। ये कैसा तेरा कारोबार, तो नमाज छोड़कर कारोबार कर रहा है, कैसी तेरी नौकरी, तो नौकरी को अहमियत दे रहा है और रब की जो महबूब तरीन इबादत इमाम कायनात की है उसको तू छोड़कर बैठा हो। आज इस पैगाम को कुरान कर दो, फज़्ल रब्बी का वादा, नमाज भी पढ़ी है, कुर्बानी भी की, और मकाम के फरमाया का कुल लिखना सोचा थी वह उसकी बाबा दिया है वह बाबा की निंदा है रोक के नाल भी महबूब पैगंबर इराम की बात। बेशक मेरी नमाज, नमाज में क्या है, नमाज में कयाम है, कयाम भी अल्लाह दे दिया, नमाज में क्या है, वो है वो भी अल्लाह दे दिया, नमाज में सबका है ये भी किसके लिए, अल्लाह के, नमाज में बैठना, नमाज में सजदा करना, कयाम करना, जलसा करना, ये किसके लिए है? रब
कोई गुलाम देने वाले नहीं, अल्लाह ही मुझसे पूछा है, अल्लाह ही हाल नवा है, उसको शरीक है, उसका कोई सानी नहीं, ला शरीक लहु वबिदालिका उमिरतु अन अकुन मुस्लिमीन। महबूब पैगंबर फरमाते हैं ये कुर्बानी करना, ये नमाज पढ़ना, ये सब कुछ ये किसके लिए है? अल्लाह के लिए। ये किस लिए मुझे अंडा दिया है? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे फरमाया है। उमिरतु, ये हुक्म मुझे अल्लाह ने दिया है। जो मैं काम कर रहा हूँ, जो इबादत कर रहा हूँ, यह कुर्बानी कर रहा हूँ, यह पत्नी इबादत हो, माली इबादत हो, कोई भी नेकी हो, ये जिक्र अज़्कार दुआ ये किसके लिए है? अल्लाह के लिए। ये नज़र निगाह अल्लाह के लिए, चढ़ावा अल्लाह के लिए, सरदर भी अल्लाह के, ये हाथ फिराना अल्लाह के। ये हुक्म किसका है? करते कहना करे कोई आपके मकान नहीं करा। अब कोई बात समझ आ रही है? मैं आज का पैगाम क्यों दे रहा हूं? जानवर लेने से पहले, कुर्बानी की तैयारी करने से पहले आपने आप को चेक कर लें, आपने अखलाक को बेहतर करें, आपने ईमान मजबूत करें, आपने दिल के अंदर निफाक है और ईमान की कमजोरी है उसको ठीक करें, आपने आप को चेक करें, दिल को बटोरें, बदल करें, एहतसाब करें और नमाजों को चेक करें, खासतौर नमाजों को देखें। अल्लाह अकबर, यार इतना बड़ी इबादत उसको छोड़कर हम बैठे, ये फरीजा है, फरीजा है, इसकी कोई बात नहीं। और आपके ये बात इल्म में होनी चाहिए। हबूबुल्लाह में से सबसे पहले जिस चीज के बारे में सवाल किया जाता है, वो अल्लाह नमाज के बारे में पूछेगा। हाँ नमाज पढ़ी थी, हाँ नमाज पढ़ी है, और मामला अल्लाह आसान करवा देगा। अगर नमाज में ना काम हो गया तो जवाब क्या देगा? नमाज इसकी पूरी नहीं है, नमाजों को छोड़ने वाला है, नमाजों को जान बूझ कर छोड़ने वाला है, नमाजों को तर्क करने वाला है। मन तरका सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जान बूझ कर सिर्फ एक नमाज को छोड़ दिया उसने कुफर किया। जान बूझ कर एक नमाज को छोड़ने वाला होया कि उसने कुफर किया। आप सहाबा को वसीयत फरमा रहे हैं, मेरे सहाबा, ना अल्लाह के साथ शिर्क करना है, ना अल्लाह के साथ बगावत करनी है, तो ईद पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। उसके बाद आप नमाज की वसीयत कर रहे हैं कि मरते दम तक नमाज को नहीं छोड़ेंगे। आज कोई फिक्र नहीं है, नई नजर कहां नमाज पढ़ती है? बताएं कितने लोग घर में नमाज पढ़ने वाले हैं? बस वही बुजुर्ग आते हैं, वही नमाज पढ़ते हैं, सारे घर में अक्सरियत बेनमाजी। माशरे की बात बता रहा हूं, जहां चले जाए, शहर में चले जाए, देहातों में चले जाए, जहां भी चले जाए, आपको बेनमाजी बहुत ज्यादा मिल जाए। हाँ कुर्बानी आ गई है, कुर्बानी करें। इसके बगैर पर बात करूंगा कैसा जानवर होना चाहिए, बगैर पर मृत्यु होगी, सब कुछ होगा। लेकिन आज मेरा आपसे पैगाम सिर्फ यही है कि पसंद नहीं है रब्बी का वादा, कुर्बान की कुर्बानी की तैयारी भी कीजिए और आपने एहतसाब भी कीजिए, आपने नमाज को बेहतर करें, सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़े, अव्वल वक्त में नमाज पढ़े, तकबीर उला के साथ नमाज पढ़े और खासतौर जमात के साथ। अपनी मर्जी से नमाज नहीं होती, तुम सुबह उठ के घर में नमाज पढ़ ले, ये मसाजिद किस लिए बनी गई है? ये अल्लाह की इबादत के लिए है, ये कोई गिरजा घर नहीं है, ये मुसलमानों की इबादत गाह है। यहाँ आए, अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह को सजदा करे, अल्लाह के आगे हाथ मिलाए, ये सारा कुछ झुका के अल्लाह के सामने रख दे। ये इसलिए मसाजिद को बनाया गया है, ये साफ सुथरे, इतने सहूलियात के बावजूद हम मस्जिद भी नहीं आते, घर में नमाजें पढ़ रहे। अल्लाह की कसम घर में नमाजें नहीं होती। तुम अपनी मर्जी से नमाजें घर में पढ़ रहे हो, कहां लिखा हुआ है कि घर में नमाज पढ़े? वाकई मुसलमान बात उसका का बल्का उम्र का आगे नमाज को कैम करना है, सकात को देना है, लगों करने वालों के साथ
इधर ठीक ठाक है, सारी सहूलियात है, मस्जिद भी करीब है, फिर भी नमाज पढ़ने के लिए आते। क्या बनेगा, क्या बनेगा कर कयामत के दिन तक तराज लगेगा, अल्लाह सवाल करेगा हाँ नमाजें पढ़ी है। मैं तो कहता हूं सब इसमें नाकाम हो जाए, सब नाकाम हो जाए, फिर क्या बनेगा। इसलिए आज वक्त है, अल्लाह ने उम्र दी है, अल्लाह ने सब कुछ दिया है। आमनु फिस्सिल निकाह, इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर पर दाखिल होना, और इस हालत में तुम्हारे ऊपर मौत है तो तुम मुसलमान हो। जब इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओगे फिर नमाज भी पूरी पड़ी जाएगी। फिर इंसान फिक्र करता है, एक नमाज पढ़ी दूसरी की फिक्र करता है, दूसरी पढ़ी तीसरी की फिक्र करता है, वो सुबह की नमाज की भी फिक्र करता है, इशा की नमाज की, हर नमाज की फिक्र उसके अंदर होती है। जिसमें फिक्र हो ना फिक्र हो उसको कोई ना उठाए, अल्लाह उसके आम उसको विदा कर देता है, उसके आम खुल जाते हैं। जिसमें फिक्र हो हिसाब हो कि यार मैंने नमाज पढ़ी, जिसमें एहसास ही ना हो कि मैंने सुबह की नमाज पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, उसने क्या पढ़नी है, किस वक्त उठेगा, उसकी तो सुबह होती है 8 बजे 9 बजे, उसने कारोबार में जाना है, ड्यूटी पे जाना है, उस मुताबिक उठेगा, लेकिन नमाज के लिए अब कौन उठे, गर्मी है, गर्मी की शिद्दत है, गर्मी के गर्म पानी है, कौन इससे वजू करे और चाहे मस्जिद में नमाज पढ़े, ये सारे बहाने हैं। नमाज की कोई छूट नहीं है, नमाज की कोई माफी नहीं है, अल्लाह ने तौफीक दी है, अल्लाह ने सहूलियात दी है, अल्लाह ने सारी नियमत दी है, इसका शुक्र भी अदा करें अल्लाह की बात की बात। हकूमुल्लाह में से किस सबसे पहले सवाल क्या होना है, नमाज का होना है। हकूमत की बात से सबसे पहले कत्ल के बारे में बात होना है। आज मुसलमानों का खून भी सस्ता हो चुका है, कोई कीमत नहीं है मुसलमान की, जो भी चाहे मुसलमान को कत्ल कर दे बस। सबसे पहले हकूक और इबाद में से अल्लाह अगर पूछेगा तो कत्ल के बारे में पूछेगा, एक हकूक अल्लाह है, एक हकूक और इबाद है, उधर नमाज के बारे में पूछा जा रहा है, इधर कत्ल के बारे में पूछा जा रहा है। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक हिजड़ा आ गया, जिसको हम हिजड़ा बोलते हैं, उसने हाथों पर मेहंदी लगाई हुई थी, डिजाइन बनाए हुए थे, आपने देखकर आपने गुस्से का इजहार किया, ये तूने शरीयत की क्या मुखालिफत की, कलमा भी तू पढ़ता है, हैं नमाजें भी पढ़ता है, ये गैर शरीय काम किया हुआ है, आपने गुस्से का इजहार किया। सैयद उमर बिन खत्ताब साथ खड़े हुए थे, अबू पैगंबर आप इजाजत को खत्म कर देते, तो महबूब पैगंबर ने फरमाया नहीं, इन अल्लाह तआला कद नहा अनिस सलात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों की कत्ल के लिए मुझे नहीं भेजा, क्योंकि नमाजी नमाजी गलती इसने की है, लेकिन ये नमाजी है। उलमा ने इस हदीस से ये मफहूम निकाला है, जो नमाज पढ़ता है वो ठीक है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो वाजिब होता है। इस हदीस से मफहूम यही को नमाज निकाला है, जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, वो मोमिन है, वो मुत्तकी है, वो ही सच्चा है आपकी इबादत में। जो नमाज नहीं पढ़ता, नमाज की फिक्र नहीं करता, जानबूझ कर नमाज को ज़ाया कर देता है, नमाज को छोड़ देता है, और नमाज का फतवा यही है, मुहद्दिसीन का फतवा यही है, ये वाजिब और कतल शर्त है। इतना नमाज की अहमियत है, जिसको हम भुला कर बैठे हुए, जिसको पीठ के पीछे हमने फेंक दिया है, इसको अहमियत नहीं देते, कारोबार को अहमियत दी जा रही है, दुकान को अहमियत दी जा रही है, अपनी मसरूफियात को अहमियत दी जा रही है, नौकरी को अहमियत दी जा रही है, जो अल्लाह की इबादत जो फरेज है उसको छोड़ा जा रहा है। अमीर उमर रज़ी अल्लाह तआला इसी हदीस को लेकर सामने आ गए,
जब ये खलीफा बने थे उमरा की टीम एक मुकर्रर की थी आमिरीन की, जाओ ज़कात खरीद के आओ, ज़कात लेके आओ मुसलमानों से, मालों की ज़कात लेके आओ, सोना चांदी की ज़कात लेके आओ, नकदी होगी उसकी उस वो लेके आओ। एक टीम मुकर्रर की थी और साथ ये भी ऐलान किया था जो यहाँ यहूदी रहते हैं, ईसाई रहते हैं, मजूसी रहते हैं, उनसे आपने क्या लेना है, उनसे टैक्स लेना है, जिजिया लेना है, उनसे ज़कात नहीं, उनसे क्या है, जिजिया है, टैक्स है वो देंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में रहते हैं, हमारी रियासत में रहते हैं, हम उनके निगरान हैं, हम उनकी देखभाल करते हैं, लेकिन क्या है, आपने उनसे जिजिया और टैक्स लेना है, मुसलमानों से ज़कात लेना। लेकिन एक और बात इस हदीस को सामने लेकर उन्होंने कही, जो नमाज नहीं पढ़ते, नमाज की फिक्र नहीं करते, क्योंकि वो मोमिन नहीं है। वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन नहीं है। कलमा तो उन्होंने पढ़ा है लेकिन वो पक्के मोमिन नहीं है। उनसे ज़कात भी ले ली, बस उनसे भी जिज़िया और टैक्स ले, ये नमाज की हुई है। जो नमाज को छोड़ता है वो ज़कात नहीं देगा, उन्हीं से भी यहूदियों की तरह टैक्स लिया जाएगा, जिज़िया लिया जाएगा, क्योंकि जो मोमिन होता है वो नमाज भी पढ़ता है और ज़कात भी देता है, अल्लाह का जिक्र भी करता है, अल्लाह की बात करता है। कुर्बानी से पहले वसल्ली रब्बी का बंधन, आप चेक करें मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ कि नहीं, तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ता हूँ कि नहीं, जमात के साथ नमाज पढ़ता हूँ कि नहीं, मस्जिद में आके नमाज पढ़ता हूँ कि नहीं। अगर नहीं पढ़ता तो फिर खैर मिलता है। जिस तरह कुर्बानी की तैयारी कर रहे हो, जानवर अच्छा लेके आना है, बच्चे भी तैयार है, बच्चे भी खुश है, और साथ ये भी चेक कर क्या मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, मेरे बच्चे भी नमाज पढ़ते हैं कि नहीं, मेरी घर वाली नमाज पढ़ती है कि नहीं, घर में नमाज पढ़ी जा रही है, इस फर्ज को अदा किया जा रहा है, अगर किया जा रहा है तो ठीक है, कुर्बानी करेगा, अल्लाह इस अमल को कबूल करेगा। अगर नमाज नहीं पढ़ता, नमाज जैसी इबादत को तो तर्क करके बैठा हुआ है, इसमें सुस्ती करता है, फिर खैर मंगा, अल्लाह ऐसे अमल को कबूल नहीं करता। क्यों हुक्म दिया गया है पहले नमाज का हुक्म है, बाद में कुर्बानी का हुक्म, क्योंकि नमाज की अहमियत ज्यादा है। अब कुर्बानी नमाज के साथ तो नहीं जुड़ सकती, ये एक फरीजा है, वो एक सुन्नत है, उस पर गुफ्तगु होगी, मसाइल बताए जाएंगे, तरूज में होता है, खुतबों के अंदर आपके सामने ये सारी चीजें रखूंगा, कैसा जानवर होना चाहिए, मसाइल पर गुफ्तगु होगी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत पर गुफ्तगु होगी, ये सारे मामलात होंगे। लेकिन आज का पैगाम यही है, साथ अपने आप को चेक करें, जिस तरह जानवर चेक करें। अल्लाह अकबर कबीरा। बनू सदीफ कबीले के लोग आपके पास आए थे, ये कबीला लैत के साथ है, ये आपके पास आते हैं मुसलमान होने के लिए, इस कबीले के साथ आपकी जंग भी हो जाती है। सहाबा के साथ आप गए थे, 13 दिन तक सहाबा कराम इनसे साथ जंग करते थे, लेकिन पता न हुई आप वापस आ गए। लेकिन कुछ अरसे बाद यही कबीला महबूब पैगंबर सलाम की खिदमत में हाजिर होता है। महबूब पैगंबर से अर्ज करते हैं, महबूब पैगंबर हम मुसलमान हो जो होना चाहते हैं, अगर हम मुसलमान हो गए हमारे साथ पूरी तहफ की पार्टी ये सारे मुसलमान हो जाए, क्योंकि कुछ साथी ऐसे होते हैं अगर वो प्रश्न इस्लाम में फिर सारा खानदान मुसलमान हो जाता है, क्योंकि बात ऐसे लोग होते हैं एक बात भी होता है लेकिन वो जमात का लगता है, बात ऐसे लोग होते हैं वो जितना बड़ी जमात ना हो लेकिन वो जमात का असर नहीं रखते। जिस तरह अमीर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं, इस्लाम को भी ताकत मिली और कुफार कह रहे थे एक जगह पर जमा होकर, लेकिन आज हमारा लक टूट गया है, अगर उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, हमारा आधा कुफर खत्म हो गया, वो इस्लाम में दाखिल हो गया। इसका मतलब कुछ ऐसे आदमी होते हैं जिनकी वजह से अल्लाह इस्लाम को इज्जत देता है और अल्लाह इस्लाम को गलबा देता है। इसी तरह वो बनू सकीफ कबीले के लोग कह रहे थे अगर हम मुसलमान हो गए हमारा सारा खानदान और भी लोग मौजूद हैं, हम चौधरी हैं, हम सरदार हैं, हम बटेरे हैं, उनके मित्र बन के आए हुए हैं, आप हमें इजाजत दें कलमा पढ़ें, लेकिन हमारी कुछ शर्तें। शर्तें क्या है? हम ज़कात नहीं देंगे।
आपने कहा ठीक है, जरा ये बात समझने वाली है, रोते नहीं रखेंगे। आपने कहा ठीक है। सहाबा हैरान थे, अजीब बात है, हमें तो रोजों का कहा जाता है, ज़कात पर सख्ती की जाती है, ज़कात निकालें, सोने की ज़कात निकालें, चांदी की ज़कात निकालें, जानवर की ज़कात निकालें, जिस तरह साल पूरा हो फौरन ज़कात निकालना चाहिए। बार बार हमें कहा जाता है, आप लीग के जमात है वो जाती है ज़कात वसूल करते हैं। अजीब बात है, क्योंकि आप हकीमुल उम्मत हैं। आप फरमाते हैं ठीक है, जब उन्होंने कहा कि नमाज में भी जरा सख्ती नहीं होनी चाहिए, इसमें भी थोड़ी नरमी होनी चाहिए, नमाज पढ़ेंगे लेकिन नरमी होनी चाहिए, आपने फौरन कहा था ला खैर फी दीन ला सलात फी है, वो दीन खैर और बरकत से खाली है जिसमें नमाज का जिक्र ही ना हो। ऐसे आदमियों से मैंने बैत ही नहीं लेता, जब अपनी बैत को लेकर चले गए उन्होंने कहा ठीक है, इस बात को मान लेते हैं, इस्लाम कबूल करके वापस चले गए। आपने सहाबा को बुलाया और कहा ये नहीं हो सकता कि ये पांच वक्त की नमाज पढ़े और ज़कात न दें, ये नहीं हो सकता, क्योंकि नमाज ऐसी इबादत है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशा वल मुनकर, जो नमाज पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज्जत इस नमाज की बरकत से उनको गुनाहों से रोक देता है। ये नमाज फहाशी गुलामी पूरे काम से रोकती है, क्योंकि ज़कात देना कोई अच्छा काम नहीं है। जब ये नमाज पढ़ेंगे ये ज़कात मिटेंगे, जब ये नमाज पढ़ेंगे ये रोजे दे रखेंगे। और ऐसा ही हुआ, जब साल पूरा हुआ आपने आमिरीन की जमात भेजी कि जाओ इलाकों से भी टैक्स पर ज़कात वसूल करके आओ और यहूदियों से टैक्स लेके आओ। आपने उन आमिरीन की जमात को भेजा था, लेकिन वहाँ बनू सकीफ कबीले के अंदर नहीं भेजा था, क्योंकि वादा हो चुका था कि ज़कात नहीं देंगे। लेकिन उनका चौधरी वडेरा जो सरदार था सबकी ज़कात लेकर मजबूर पैगंबर की खिदमत में आ, खुद ब खुद ज़कात ले गया। लोगों की ज़कात लेने के लिए आमिरीन की उमरा की जमात जा रही है, लेकिन उनकी ज़कात एक चौधरी वडेरा ज़कात ले गया। क्योंकि जो नमाज पढ़ता है वो सब काम करता है, जो नमाज पढ़ता है उसके हर अमल कबूल है, जो नमाज नहीं पढ़ता इबाद नमाज में नाकिस है उसके अमल, फिर आपने और भी अमल की ख्याल किया। इसलिए पैगाम आज मेरा खुतबे में यही था, क्योंकि कुर्बानी के दिन शुरू होने वाले हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में है, जानवर अच्छा लेके आए तो उसने पैगाम क्या है, फसल मेरे रब्बी का बन था, महबूब पैगंबर को हुक्म दिया पहली नमाज है बाद में दोहरानी है, एक बदनी इबादत है, माली इबादत है, नमाज बदनी इबादत है और कुर्बानी माली इबादत है, तो नमाज फर्ज है, इसकी इसका एहतमाम करें, जमात के साथ नमाज पढ़ें, तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ें, जो सुबह उठकर घर में नमाज पढ़ता है लेट नमाज पढ़ता है ये बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी सुस्ती है, सुस्ती को दूर करें, अव्वल वक्त की नमाजें पढ़ें, आप अव्वल वक्त में नमाज पढ़ें, ये कितना यार बहुत बड़ी इबादत है। ये मत देखें ये फला की मस्जिद है, ये देखें ये अल्लाह के घर है, ये मुसलमानों की इबादत का। अल्लाह अकबर कबीरा, जज्बात में और भी बहुत आए थे, लेकिन वक्त हो गया है खुतबे का, पैगाम मेरा समझ आ गया होगा, मेरा आज यही पैगाम था आपको, पहले नमाज बाद में कुर्बानी, नमाज की फिक्र करें, नमाज का एहतमाम करें, जो नमाज को जानबूझ कर छोड़ता है एक नमाज को वो कुफ्र करता है, जो नमाज के अंदर सुस्ती करता है, तो बर्बादी है उनके लिए वैध है और जहन्नम है, जो नमाजों में सुस्ती करते हैं, जो पढ़ते नहीं हैं उनका हाल क्या हो।